ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि फ़ोन अपने घर पर रखते हैं और उनके फ़ोन पर कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि सेक्स बुली से रिलेटेड, या फिर वो किसी के सामने नोटिफिकेशन ओपन करने के लायक नहीं होते हैं, ठीक है। और आपका जो फ़ोन है वो घर पर रह जाता है या फिर कोई भी ले लेता है, तो ऐसे में यह है अगर वो नोटिफिकेशन कोई भी ओपन करता है या फिर बच्चा सही या फिर आपसे ही गलती से वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है, ठीक है, और आपके आसपास कोई खड़ा है, तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आखिर ऐसे नोटिफिकेशंस को हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को बिना देरी करते हुए। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी इस तरीके की परेशानी से गुजर रहा है, तो वो इस परेशानी को इस वीडियो के माध्यम से अपनी परेशानी सॉल्व कर ले, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि इंस्टाग्राम से ही, अब इंस्टाग्राम पर भी कुछ इस तरीके की वीडियो यहाँ पर आने लगी हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ उन वीडियोज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में होता क्या है कि आखिर हम फेसबुक पर जाते हैं, तो फेसबुक पर हम जाते तो अच्छे के लिए हैं, पर वहाँ पर कुछ लिंक्स वगैरह ऐसी होती हैं जो कि उन पर हम क्लिक कर देते हैं और ऐसे में वो सेक्स बुली से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो उनसे नोटिफिकेशन है वो हमारे मोबाइल पर आना शुरू हो जाते हैं, या फिर हम क्रोम पर चले जाते हैं और क्रोम पर कुछ ऐसी वेबसाइटों पर हम अचानक से पहुँच जाते हैं, या फिर हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले में कोई भी व्यक्ति होता है तो वो सर्च करता है और देख भी लेता होगा, ठीक है, पर ऐसी वेबसाइटों पर हम पहुँच जाते हैं तो वो नोटिफिकेशन के जरिए इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन आने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे नोटिफिकेशंस को हम किस तरीके से परमानेंटली बंद कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके बताऊँगा और दोनों ही तरीके से आप उन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है, जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है आपको यहाँ पर उसे इस तरीके से आइकन होगा, तो वो आइकन को आप इस तरीके से प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मिलेगा सेट सेटिंग्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ आपका अलाउ होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर उस नोटिफिकेशन पर सिंपली क्लिक करना है और आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। अब उस वेबसाइट से वो नोटिफिकेशन है कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर फिर भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि आपने जितनी वेबसाइटों पर आप गए होंगे या फिर जितनी बार आपने वेबसाइट पर जाकर परमिशंस को अलाउ कर दिया होगा नोटिफिकेशन वाली के लिए, तो वो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आते ही रहेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर नोटिफिकेशंस को बंद कर देते हैं पर वो नोटिफिकेशन उस समय नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे, जैसे कि ये ऑफ़ है, ठीक है, देख सकते हैं, तो ये यहाँ से हट गया। इस तरीके से जिस जो वेबसाइट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आप बंद कर देंगे, ठीक है। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पर प्रेस करना है। अब प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एफ इन्फो, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टोरेज, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपको नीचे मिल गया है क्लियर स्टोरेज, ठीक है, और क्लियर आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका क्रोम है बिल्कुल नए सिरे से ओपन होगा, ठीक है। जिस तरीके से नया हम अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करते हैं और ओपन करते हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि आपका जो क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जिस मेल से आपने पहले यहाँ पर क्रोम को ओपन कर रखा था वो मेल यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, और आपने वहाँ पर मेल अगर नहीं लगाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बिना मेल आप रजिस्टर करें, क्रोम को यूज करें, तो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आना ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियोस में आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं ना इस वीडियो